मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के भारत के आज यानी के 21 जुलाई के रिजल्ट्स की। जी हां, आज भारत के दो इवेंट्स थे। सबसे पहला इवेंट रहा विमेन्स 5000 मीटर हीट्स, जिसमें हमें पारुल चौधरी कम्पीट करती हुई नजर आई, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छा खासा नहीं रहा और स्टीपल चेस की ही तरह वो 5000 मीटर्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी रेस को 17वें स्थान पर फिनिश किया है विद द टाइमिंग ऑफ 15 मिनट्स 54.03 सेकेंड्स। वहीं उसके बाद फिर बारी आई अनु रानी की, जो कि हमें विमेन्स जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन में देखने को मिली। ग्रुप बी के अंदर उनका नाम था और उनके अटेम्प्ट्स की हम बात करते हैं। तीन उनके अटेम्प्ट्स रहे, जिसमें सबसे पहला अटेम्प्ट उन्होंने उनका फाउल हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 55.35 मीटर्स की थ्रो फेंकी और फाइनल अटेम्प्ट में उन्होंने 59.60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जी हाँ, काफी अंडर प्रेशर में वो जरूर थी अपने तीसरे थ्रो से पहले, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक फाउल हो चुका था और दूसरी भी कुछ ज्यादा अच्छी थ्रो नहीं थी, लेकिन इस फाइनली थर्ड थ्रो के बदौलत उन्होंने ओवरऑल 8th पोजीशन पर फिनिश किया है और फाइनल्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ, अनु रानी ने अपना ये लगातार दूसरा उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल रहने वाला है और काफी ज्यादा एक्साइटेड मुझे लगता है आप सब जरूर होंगे, क्योंकि कल के ही दिन उनका फाइनल्स भी होगा। उसके अलावा कल के दिन काफी सारे इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं आपको भारत के, तो उसके लिए तो हम शेड्यूल आप सभी के लिए आप सभी को बता ही देंगे। बाकी रिजल्ट्स भी जैसे रहेंगे वो भी बता देंगे। तो ये था आज के दिन का पूरा राउंड अप भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और इस चैंपियनशिप से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।